सो दोस्तों आज तक आपने बहुत सारे फोन यूज किए होंगे, रियलमी हो, वीवो हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो, बहुत सारे फोन्स ने अपने फोन्स लॉन्च किए हैं। तो भैया आज आ गया है सबका बाप, यानी कि दोस्तों उस फोन का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो आप नाम से ही जान जाओगे कि हाँ भैया ये जो फोन है कुछ खास होने वाला है। तो इसीलिए मैंने आज इस वीडियो में बता दी हूँ दोस्तों, आज रात को इसके स्पेसिफिकेशन लीक हुई है तो मैंने सोचा कि आपको इस फोन के बारे में कुछ बता ही देते हैं। तो दोस्तों उस फोन का नाम है एनर्जाइजर। तो दोस्तों नाम सुन के काफी अच्छा आपको लगा होगा और आप बहुत कुछ समझ गए होंगे इसके नाम से ही। तो दोस्तों इसका नाम काफी बढ़िया है एनर्जाइजर और दो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इसमें। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, लीक्स हैं, सभी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए फुल वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा, क्या होगी इसकी प्राइस, क्या होगी इसका लॉन्च डेट और क्या है इसकी फुल स्पेसिफिकेशंस, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यार सबसे पहली जो चीज है वो यार डबल पॉपअप फ्रंट कैमरा। आपको दो कैमरे मिलेंगे जो कि डबल पॉपअप होंगे और काफी खास होने वाले हैं ये दोनों कैमरा। बात करें फोन के नाम की तो दोस्तों यहाँ पे पावर मैक्स P18 पॉपअप देखने को आपको मिलेगा, जिसका भी ब्रांड है एनर्जाइजर, यानी कि जो कंपनी का नाम है उसका नाम एनर्जाइजर है। ये इंडिया में नया फोन अपने नए कंपनी के साथ लॉन्च होने जा रहा है। अब दोस्तों बात करें इसके कुछ बेहद ही कमाल के फीचर्स की, यानी कि बहुत ही नए टेक्नोलॉजीज की, तो उसमें आता है सबसे पहला ही फ्रंट ड्यूअल कैमरा जो कि पॉपअप टेक्नोलॉजी के साथ होंगे। तो बात करें फ्रंट कैमरे की तो 10+2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलेगा। बैक में अगर आप देखें तो 12+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा बैक में देखने को मिलेगा। ट्रिपल रियर कैमरा तो मिलेगा भैया। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे इस फोन में लगा वो है दोस्तों सबसे तगड़ा बैटरी देने वाला है। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी फोन की कंपनी इतनी तगड़ी बैटरी लॉन्च करी थी। तो भैया यहाँ पे आपको 18,000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। 18,000 भैया 18,000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि अब तक किसी भी फोन की कंपनी ने लॉन्च नहीं किया था। अब आप ही बताओ भैया कि इतनी तगड़ी बैटरी है तो नाम तो तगड़ा होगा ये। अब नाम से ही मैंने शुरू में ही बोला था कि नाम इसका तगड़ा है तो जरूरी कुछ इसमें खास होगा, एनर्जाइजर भैया नाम पे ही, इसकी बैटरी पे ही नाम पड़ा है। तो दोस्तों इंडिया में फोन कब तक लॉन्च होगा, कब तक ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, ये तो लीक्स अभी पता नहीं चली है। लेकिन इसके जो लीक्स बता रहे हैं दोस्तों वो ये बता रहे हैं कि MWC 2019 में, यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इसको शोकेस करेगी इसको अपनी कंपनी, यानी कि जो मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होगा उसमें 2019 के एनर्जाइजर इस फोन की जो है शोकेस करेगी। बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की तो Helio P70 का बहुत ही बढ़िया तगड़ा प्रोसेसर मिलता है। Helio P70 के बारे में आपको तो पता ही होगा, 6GB आपको रैम मिलता है, 128GB रोम यानी कि स्टोरेज मिल जाता है आपको देखने को। तो काफी बढ़िया फीचर्स मुझे इस फोन के लगे भैया। अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च करता है काफी अच्छे प्राइस में तो ये फोन बहुत ही ज्यादा बिकने वाला है। और वीवो, रियलमी, ओप्पो इन लोगों का जो कहानी है अब यहीं से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यार बैटरी इतनी अच्छी मिलती है इंडिया में, यही तो चाहिए भैया। एक अच्छी प्राइस में एक बढ़िया बैटरी, एक बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए लोगों को। तो अगर ये फोन आता है एक अच्छी प्राइस में, उसी के साथ साथ बैटरी भी इतना तगड़ा है, तो सब कुछ मिला के मुझे यही लगता है कि ये फोन इंडिया में बहुत ज्यादा बिकेगा, क्योंकि भाई इसकी बैटरी काफी अच्छी है, कैमरा भी काफी अच्छा है। Helio P70 आपको चिपसेट देखने को मिलता है और रैम भी कम नहीं है, तो काफी बढ़िया है फोन वाला। कमेंट में आप जरूर बताओ अपने विचार क्या है आपके विचार। तो यार इसकी दो टेक्नोलॉजीज मैंने बता दिया था शुरू में ही कि यहाँ पे आपको मिलेगा 18,000 mAh की बैटरी और यहाँ पे आपको फ्रंट में डुअल पॉपअप कैमरास देखने को मिलेगा। यही है दो नए टेक्नोलॉजीज इस फोन में और जो कि काफी खास है भैया। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर ही कर देता हूँ। ये भी बताइए नीचे कमेंट में कि आप जब फ्यूचर में अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइज करते हो तो वहां पे यार आप उस फोन में क्या सबसे हाईलाइटिंग फीचर रखोगे, कैमरा, बैटरी, उस हिसाब से क्या नाम रखोगे वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस फोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर क्या लगा वो जरूर बताइएगा। और दोस्तों बस इस वीडियो के लिए बस इतना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और भी कोई जानकारी आपको इस फोन से रिलेटेड चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए और ऑनलाइन भी आप चेक कर ही सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ये चीजें पता चल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।